दोस्तों, मेरा नाम असलम खान है और मैं भारत की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत बड़े शहीद राजा हसन खां मेवाती के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत देश के इतिहास में एक भी ऐसी देशभक्ति की मिसाल नहीं है जैसा राजस्थान के अलवर की एक छोटी सी रियासत के राजा हसन खां मेवाती की हो। वतन परस्ती और हिंदू मुस्लिम भाईचारा और राजपूताना खून की एकता में कोई एक ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है। मगर भारत देश के इतिहासकारों ने और देश के आज़ाद होने पर देश के इतिहास को अपने हिसाब से लिखा गया है, जिसमें धर्म के नाम पर और बिरादरी के नाम पर भेदभाव किया गया है। शहीद राजा हसन खां मेवाती जैसे वतन परस्त राजाओं को इतिहास में जगह नहीं दी गई है। यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शहीद राजा हसन खां मेवाती को इतिहासकारों ने भुलाने की कोशिश की है। उसकी वजह से एक अलग धर्म से होना, एक अलग बिरादरी से होना, अलवर जिले का पिछड़ापन होना, अलवर में किसी मेव बिरादरी का नेता ना होना और वहाँ पर ज़्यादा संसाधन ना होना उसकी वजह हो सकती है। भारत देश के इस लाल ने बाबर जैसे राजा को रोकने की कोशिश की। शहीद राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी देखो, उसकी 12,000 बहादुर सेना का हौसला देखो कि वह बाबर की आग उगलती तोपों के सामने खड़े होकर उन्होंने मुकाबला किया। सलाम है उनकी बहादुरी को, सलाम है उनकी शहादत को। शहीद राजा हसन खां मेवाती अलवर की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। यह रियासत अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच है। यहाँ की झीलें और तालाब आज भी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। शहीद राजा हसन खां मेवाती की यह रियासत में जो ज़मीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ फसल कम होती थी और रियासत में सभी लोग गरीब थे। इस रियासत के पास कोई भी बड़ी नदी नहीं थी। मेव बिरादरी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती होती है। मेव बिरादरी ने कभी जात पात में भेदभाव नहीं रखा। वो हमेशा से दलित समाज को बराबर का सम्मान देती थी और आज भी देती है। मगर उस वक्त उच्च हिंदू जाति के लोग इनके साथ भेदभाव करते थे। मेरा मेव बिरादरी बहुत ही देशभक्त रही है। मेव बिरादरी ने कभी किसी भी जाति से भेदभाव नहीं किया है। खानवा की लड़ाई जो कि बादशाह बाबर और राजा संग्राम सिंह के बीच में हुई थी, उस लड़ाई का कारण था राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ समझौता, जिससे बाबर ने अपने साथ लड़ाई के साथ देने का समझौता किया था राजा राणा सांगा से। लेकिन किसी कारण से जब बाबर को राजा राणा सांगा की लड़ाई में ज़रूरत थी तो वो उसका साथ नहीं दे पाया। उस वक्त बादशाह बाबर ने पानीपत में इब्राहिम खान लोधी को ललकारा था। पानीपत की ये पहली लड़ाई थी। इब्राहिम खान लोधी को हराने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई। यह मुगल साम्राज्य का भारत में आगाज़ हुआ था। बादशाह बाबर ने उसके बाद राजा राणा सांगा को ललकारा युद्ध करने के लिए। उसे गुस्सा था उसका कि उसने साथ पानीपत की लड़ाई में नहीं दिया। राजा राणा सांगा भी एक छोटी सी रियासत के राजा थे, मगर उसके पास जो सेना थी वो राजा हसन खां मेवाती की सेना से बहुत ज़्यादा तादाद में थी। राजा राणा सांगा ने राजा हसन खां मेवाती से इस युद्ध में मदद मांगी थी और राजा हसन खां मेवाती जो एक राजपूत मुसलमान थे, उसने अपने हिंदू भाई राजा राणा सांगा जो एक राजपूत था उसका साथ देने का वादा किया, क्योंकि बाबर बाहरी था और राणा सांगा अपने भारत देश का राजा था। राजा हसन खां मेवाती को ये पता था कि बादशाह बाबर बहुत ताकतवर है और उसकी सेना भी लाखों में है और भारत में बारूद को लाने वाला यह पहला बादशाह था बाबर। बाबर के पास आग उगलने वाली तोपें थीं और उनके राजा हसन खां मेवाती के पास तलवार, तीर और बल्लम थी, मगर उनका हौसला बहुत बड़ा था। उसकी सेना उसकी एक आवाज़ पर जान देने वाली मेवों की सेना थी, जो अनजान अंजाम की परवाह नहीं करते थे, जो ठान लेते थे वही करते थे। लेकिन
वो मनहूस दिन भी आया 15 मार्च 1527 को, जब बाबर की सेना और राजा हसन खां मेवाती की सेना राजा राणा सांगा के साथ आमने सामने खड़ी हो गई। जब बाबर को पता चला कि राजा राणा सांगा का साथ बहुत ही ताकतवर राजा हसन खां मेवाती दे रहा है, तो उसने अपने सिपहसालार से बोला, जाओ मेरा संदेशा लेकर राजा हसन खां मेवाती के पास। उसने बोला कि वह राजा राणा सांगा का साथ ना दे और हम इस्लाम के कलमे के भाई हैं राजा हसन खां मेवाती को वो एक और रियासत से नवाज देंगे। जब यह संदेशा राजा हसन खां मेवाती तक पहुंचा तो राजा हसन खां मेवाती ने बोला कि बाबर तुम बाहरी हो और राणा सांगा मेरा भाई है, मैं अपने वतन भाई का साथ दूंगा, तुम्हारा नहीं। इतने बहादुर राजा हसन खां मेवाती थे जिन्होंने अपने कौमी का साथ ना देकर अपने धर्म भाई का साथ दिया। उसके बाद युद्ध हुआ और युद्ध की शुरुआत में ही 1-2 तीर राणा सांगा को लग गए, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। राणा सांगा को युद्ध के मैदान से निकाला कर ले जाया गया और जब राणा सांगा की सेना ने देखा कि उनके राजा नहीं हैं तो उनका मनोबल गिरने लगा। उसके बाद युद्ध की कमान राजा हसन खां मेवाती ने संभाली और उन्होंने बाबर की सेना को कड़ी टक्कर देने की शुरू कर दिया, मगर बाबर के पास बारूदी तोपें थी और बाबर ने अपनी तोपों से आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, मगर राजा हसन खां मेवाती अपनी हिम्मत और अपनी सेना के साथ युद्ध करते रहे। राजा राणा सांगा की सेना के पैर उखड़ गए थे और वह मैदान छोड़कर भागने लगे थे, मगर हसन खां मेवाती ने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध किया और अपनी सेना मेव बिरादरी की सेना ने भी अपनी आखिरी सांस तक अपने राजा हसन खां मेवाती का साथ दिया और यह सब लोग बाबर की सेना और तोपों से शहीद हो गए। इस बहादुर राजा को, ऐसी बहादुरी सेना को हमारा सलाम, जो एक भी मिसाल ऐसे पूरे भारत देश में नहीं है। लेकिन इतिहासकारों की लापरवाही या जाति पक्षपात ने इस राजा हसन खां मेवाती को एक गुमनाम राजा की तरह छुपा दिया, मगर इस राजा हसन खां मेवाती का महल आज भी अलवर में सीना चौड़ा कर खड़ा हुआ है, जो अपनी बहादुरी की मिसाल, अपनी देशभक्ति की मिसाल देता है। हरियाणा सरकार ने जिला नुहू में शहीद राजा हसन खां मेवाती के नाम पर एक हॉस्पिटल बनवाया है। राजस्थान सरकार ने भी देर से ही सही, मगर शहीद राजा हसन खां मेवाती के नाम पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रही है अलवर में। 36 बिरादरी के राजा शहीद राजा हसन खां मेवाती राजस्थान की शान और भारत देश का गौरव था। मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला बहादुर राजा था। राजा हसन खां मेवाती मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने और अपनी हर ताकत को उनके सामने खड़े करने का हौसला रखते थे। आज जितने भी राजाओं के वंश आज जिंदा हैं, वो वही हैं जिन्होंने मुगलों के सामने सर झुका दिया था, इसीलिए आज वो जिंदा हैं। कहते हैं, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। राजा हसन खां मेवाती का जो इतिहास रहा है वो अपने देश के प्रति रहा है और राजा हसन खां मेवाती ने जितना जो शासन जो किया, 150 साल तक इनके वंशज का शासन था। मेव बिरादरी वह है जिसने अपना सर ना मुगलों के सामने झुकाया और ना अंग्रेजों के सामने झुकाया। दिल्ली के मेव बिरादरी का इतना खौफ था कि मुगलों के टाइम पर कि दिल्ली 6 के सारे गेट असर की नमाज के बाद बंद हो जाते थे। आज जहां पर नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बने हैं, ये सारे गांव मेव बिरादरी के थे। हमें गर्व होना चाहिए राजा हसन खां मेवाती पर, जिन्होंने अपनी वतन परस्ती के लिए अपनी इतनी बड़ी शहादत, अपनी इतनी बड़ी सेना की शहादत
हमें दी है। हमें सलाम करना चाहिए राजा हसन खां मेवाती को, हमारा सलाम है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको उनकी सेनाओं को जन्नत नसीब करे। बहुत ही जल्दी हम दिल्ली सरकार से एक मेव भवन की मांग करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में भी एक मेव भवन बनाएगी। वो मेव भवन शहीद राजा हसन खां मेवाती के नाम पर होगा।